तो चीज तुम्हें भर दूंगा। हम चले गया। सब चले गए, मेरे वजन आया है। तू फ्लो में ऐ मेरे दिल्ली के शो पे ऐ मैंने सबसे मिलाया था ऐ खुद पीछे का होके समझ नहीं आया तो समझ में आएगा आगे क्या गाएगा और क्या बताएगा मेरे ही फ्लो में तू मेरे को समझाएगा सड़क गला छोटे पहले से बापू का फोन। हेलो। हाँ बापू। इतनी देर काम में लग गई बापू, ये गोलगप्पे खा रहा है। जल्दी उसी गोलगप्पे के बगल में तेरे ठेला लगे होगा। गैस करो। सोचो सोचो, पानी नहीं है। टीवी देखा, टीवी देखा, नीला कौन आता है? नहीं, जो सबकी मदद करता है। अब मुझे बिल्कुल पता है, बिल्कुल पावर रेंजर। पावर रेंजर नहीं, अरे मैं रमन बहुत बड़ा फैन हूँ। रमन तेरे फैन तो पहली बार देखा है यार। अभी तो तू सैड था यार। हाँ डोरेमोन, मत पूछ यार। बता दे भाई, मत पूछ डोरेमोन। बता दे, मत पूछ यार। मत बता। वो देख, बड़ी इधर नहीं, इधर देख। वो देख। हाँ अबे तुझे क्या पता मैं क्या देख रहा हूँ? थोड़ा दूर जा। गया गया, थोड़ा और दूर। हाँ गया, तो मुझे चंद्रमा भी देख। अरे पृथ्वी में रहना, पृथ्वी में रहना भाई, पृथ्वी में रहना है। थोड़ा और पास आ, थोड़ा और पास। हाँ अब देखो, वो देख, ये तुम्हारे पिताजी हैं। बहुत खड़ूस है यार। खड़ूस तो है वो, तो मुझे भी तुम्हारा भाई मुझे बहुत मस्त लगा। क्यूट है ना, लेकिन मैं प्यार नहीं करता उससे। तो नहीं करते मुझे यार। ये तो चोर नहीं आते, कंजूस हैं। अरे यार साइकिल से आए दोनों, अब तो तुम पकड़ सकते। ओ अच्छा, प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। अब क्या उनको घर तक छोड़ के आएगा? अरे नहीं, वो तो मैं देख रहा हूं। डोरेमोन तू करता क्या वैसे? तू मेरा कैसा फैन है तुझे यही नहीं मालूम? मैं क्या काम करता हूँ? समझ ले बा, सब्सक्राइब कर लियो कूल की, ठीक है? अरे अपने चैनल को छोड़ के तेरे लिए तो आया हूँ। सब्सक्राइब कूल के यार। मैंने राम खाए लौंडे सुना है, तू तेरे पास गैजेट वगैरह कुछ भी ला सकता है, तो मेरे लिए दो दर्जन मियां खलीफा और एक लंबा ही ला दे। रन टू एल के डायलॉग मार रही है, डी से डोर है मानो जिनी नहीं, वो तो जी से होता है। डोरेमोन यार प्लीज मेरे भाई को ले आ दे, कपड़े पैसे बन जाए, थैला और गन ना फट जाए। टक्कर मारेगा तू, गाड़े ही थी मारी। जो हाथ लगा दे झोले में, हम लगाए तो समर रखा ना। अरे मेरे प्लीज भाई को ला दे यार तू, बस कह दिया ना। ये नहीं, हाँ ये अरे राम खिलाड़ी तू यहाँ कैसे? अरे हम तो गुप्ता की दुकान में थे, पता ना क्या। अबे जय नहीं इसका, ये हाँ ये इसको निकाल, इसको निकाल निकाल, ले 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 ले। थैंक यू डोरेमोन, तुमने मेरे भाई को ला दिया, बस थैंक यू थैंक यू। ये हाथ में बदबू कैसी आ रही है? वो यार ऐसा हुआ, टट्टी करके साबुन नहीं मिला। क्या कह रहा? टट्टी करके साबुन नहीं मिला। फिर बोलियो, बार बार नहीं बता पाऊंगा। डोरेमोन तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो देखो भाई, हाँ देखो डोरेमोन, थोड़ी और दूर। हाँ लट्ठा दिख रहा है ना? हाँ डायरेक्टर बैठा है। हाँ बैठा है, उसने मुझे नौकरी से निकाला।
क्यों? सेटिंग पत्थर वाले के साथ हो गई थी। माय सेटिंग तो वो मीचे के साथ की। तुमका मजा ही कुछ और है। अरे मान तुम भी कुछ अलग हो। तुम यार मतलब ये बताओ, पहले काफी मोटे ताजे थे, गोल मटोल से, क्या हुआ? यार जब डायरेक्टर ने मुझे है ना टीवी शो से बाहर निकाल दिया था ना, हाँ? तो मेरा बस एक काम रह गया था। क्या? ये मत पूछ। हाँ? रगड़ा मानना यार, रगड़ा। अरे मान तुम भी रगड़ा मारते हो? और क्या, नहीं मैं रगड़ा सिंह तो हूँ, दूसरे नाम से फेमस हूँ मैं। यार इन सब में तुझे अपना नाम बताइए। अरे भाई गंदी बात थोड़ी करती, नाम ही तो पूछा है। अरे मान मत पूछ। अरे नाम ही तो पूछा है। अरे मेरा मत पूछ, ये सब तेरा घर तो होगा ही। यार तुझे पता है मेरे बाप को कितना खड़ूस है? वो बता उसकी चांदपुर में रामपुर घुसा दूं क्या? नहीं हूँ मैं। हेलो हेलो। अरे अभिषेक चल ले नान खान के लिए। इतनी तेज लाट टपक रही तुम्हारी तो, जरा जल्दी आओ। दो मिनट। नान खटाई। अरे नान नान। अरे भाई ये तो मुझसे भी फास्ट निकला। कतई दौड़ते हुए भी लाए जी नॉर्थ से। इससे क्या ले जाएगा? रखी भी तो ले जानी घर पे, ऑर्डर दे के आया। अरे मर गया। इतनी खुशी क्यों है? अरे डैड नहीं वो मर गया बोले। क्या था यार वो? अजीत भाई। हाँ भाई मुझे भी आधा डोरेमोन चाहिए। क्या बात कर रहा है, मैंने ढूंढा नीलू को बारे को। मुझे नहीं पता जी, मुझे भी आधा डोरेमोन चाहिए। क्या चाहिए? ऐसी चाहिए मैं खोल ले लूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है बनने नहीं देंगे गणपति चाहे गण क्यों ना फट जाए। ओ, समय समाप्ति को समय का पहिया कब घूम जाता है कभी किस में। ओगी सर। अरे तेरी भोसड़ी। देवियों सज्जनों ये कोई खेल नहीं है। आपा है भोसड़ी का। ये खेल नहीं है बच्चों का, ये निकल जाता है अच्छों अच्छों का। भाई डायलॉग मस्त मारा आपने। अरे भाई धन्यवाद। तो देवी सज्जनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीन कंटेस्टेंट। पहले अल्मोड़ा से आए हुए हमारे लपेड़ चंद, दूसरे रजनी सर हमारे सर, और मैन वर्सेस वाइल्ड से हमारे पुल्ली सिंह। ओह नो लुल्ली सिंह। अरे सर सर लुल्ली सिंह लुल्ली सिंह लुल्ली सिंह लुल्ली सिंह। मेरे माता पिता ने प्यार से नाम दिया था। बिल्कुल 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 सर लुल्ली सिंह। बैठिए सर बैठिए सर। फास्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। कितने प्रतिशत भारतीय अपनी जीभ को नाक तक छुआ सकते हैं? और ये रहे आपके उत्तर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए आपको नहीं पता, बी आपको भी नहीं पता, सी हमको भी नहीं पता, और डी किसी को नहीं पता। मेरे पे आई नहीं रहे हैं, मेरे पे और कुछ आ रहा है क्या? देखो मस्त है। अरे 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 ओ भाई 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 अरे हटो हटो अरे चेंज कर। तो दोस्तों देखते हैं फास्ट फिंगर फर्स्ट का उत्तर। सबसे पहले अरे बहुत सीढ़ी के बैठ खुजियाने कुत्ता जैसे खड़े बैठ थी। और ये अल्मोड़ा से हमारे लपेड़ चंद।
जल्दी बैठिए आगे हॉट सीट पर हमारे साथ में, और आज हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बैठिए बैठिए बैठिए। तो लपेड़ी चंदी, मैं आपको इस खेल के रूल समझा देता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ आप उत्तर नहीं देंगे। काहे नहीं बोलेंगे बे, कौन रोकेगा हमको। अरे लपेड़ी चंदी शांत रहिए, आपको मैं इसका आगे रूल बताता हूँ। इसमें आपको चार लाइफलाइन मिलेंगी, 50-50, एक्स्ट्रा एडवाइस, ऑडियंस पोल। सर सुनो फ्रेंड, दोबारा बोल सुनाई नहीं दिया। सुनो फ्रेंड। हाँ फोनो फ्रेंड, तो आपकी चार लाइफलाइन हो गई। सर जाऊं? चल सर। गाड़ी सोनी। अरे पानी चढ़ा इस पे। पानी है तुम्हें अपनी से कम। तो लपेड़ चंदी, खेल शुरू करने पहले से मैं जानना चाहूंगा कि आपके साथ कौन कौन आया हुआ है। पहले ये बताओ, ये सर कौन बने करोड़पति हमने बहुत देखा है जी। किसी ये कौन बने करोड़पति किसी अंडरकवर बिल्डिंग में या ऑफिस में वगैरह होता है, ये सब खुले में कैसे? ऐसा है, शांति से खेलो। एक तो स्कूल की टीम का बजट है कम, ऊपर से लाइट नहीं आ रही, हमारा इन्वर्टर पड़ गया ठप, तो कहाँ से करेंगे अंडरग्राउंड शूटिंग। सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को। अरे सब्सक्राइब से आता है, सब्सक्राइब करिए कूल किंग्स को और नए वीडियो देखिए। नितिन जी आपने बताया नहीं आपके साथ कौन कौन आया है आज। सर हमारे यहाँ सब दूर के चचा रंगी लाल एंड पास के पिता पुल्ली। पहली पहली बार मोहब्बत वो काट रहा है, नहीं बाल काट रहा है। अरे बहनों इस आवाज में कैमरे में आऊंगा। अच्छा मैं भी आऊंगा। और लपेड़ी चंद जी शुरू करते हैं। अरे भाई इसका पासवर्ड क्या है? बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया है सर आपने। अरे इसका पासवर्ड क्या है? दोबारा मत पूछना। अरे भाई एक बार तो बता दे मेरे भाई। इसका पासवर्ड ये, दोबारा मत पूछना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लपेड़ी चंद जी 1001 के लिए आपका पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? इतनी 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 या कुछ। रपेड़ सिंह जी आप ये बताइए आप इन 600 रुपए का क्या करेंगे? 600? सवाल तो 1000 का था, 401 के का अपनी बत्ती बना के डाल लोगे क्या? अरे भैया जीएसटी वीएसटी कार्ड के इतना ही बचता है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। कौन सी चाहिए आपको? फोन ऑफ एंड। तो आप किसको फोन लगाना चाहेंगे? सर हमारे गांव में एक कालिया है जी, बहुत इंटेलिजेंट। अच्छा अच्छा उसको फोन लगाइए आप। नंबर हम आपको देते हैं। सही नंबर 98370-89-324। अरे काट क्यों दिया सर? अरे बैलेंस नहीं है, इतना बजट नहीं है हमारा। अरे गरीबों के मिता बच्चन, ये लीजिए मेरे से लगा लीजिए। लाइए लाइए लाइए। हेलो, हाँ कालिया जी बोल रहे हैं क्या? हाँ। लीजिए लीजिए बात करिए। अरे कालिया। हाँ। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा है, यूपी पुलिस का फॉर्म डालने आया हूँ। अरे तो एक मेरे लिए भी ले लियो। यार एक मेरे लिए भी ले देना। 100 रुपए का है सर। चलिए फिर ठीक। अरे तो एक, अरे वो छोड़ो। हाँ। अरे यार हम इधर बैठे हैं कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ तो एक सवाल पे अटक गए हैं, तुम्हारी जरूरत थी, इसका आंसर बताओ यार। हाँ क्वेश्चन है, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? ये तो हमने पढ़ी नहीं। सर एक काम कीजिए, आप बी को लॉक कीजिए। आप श्योर हैं? 100% पक्का श्योर है? पक्का श्योर है, मतलब आप बिल्कुल श्योर हैं? मतलब अरे श्योर है, कागज पे लिख के देंगे। अरे ठीक ठीक ठीक, कंप्यूटर जी डी को लॉक किया जाए। लपेड़ी चंद जी आप जीत चुके हैं 500 रुपए। अभी तो 600 बोला था। अरे 100 रुपए आपके चार्ज में कट गए फोन कॉल में। अरे तो आपने मिस कॉल की थी। अरे यार फोन उठा लिया था उसने। 1000 के 5 पुराने नोटों के लिए अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक आम आदमी के गच्छे में कितने छेद होते हैं? 10, 15, 20 या 27? अच्छा है कि मच्छरदानी? अरे आप
आंसर दो यार क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ हमारी टीम ने तैयार किया आपकी जीवन शैली पर, तो कुछ देखते हैं। अरे इधर नहीं, अरे इधर। अरे ये क्या चला दी, अरे ये क्या चला दिया, तो चलने दीजिए ना, मजा आ रहा है। बताइए क्वेश्चन ये। सर मैं एक पाइपला लेना चाहूंगा। पाइपला नहीं, लाइफलाइन होता है। सॉरी, कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, तो ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर यार जनता ही बढ़ गई है, नाच नाच की दिमाग खराब कर दिया। आप आंसर दो अपना यार। सर डी 26 लॉक कर दो। लॉक कर दिया जाए जी, लॉक कर दिया जाए। तो सबको लगता है ये क्वेश्चन सही है? लगता तो सर सही है हमको, लगता है गलत हो गया। आप जीत गए 1000 के 5 नोट। सर आपने बहुत शक्ति फुका दी सर। जी आपको ये रकम मिलेगी आपको 10 साल बाद। 10 साल बाद क्यों? 10 साल बाद ही मिलेगी। मॉर्निंग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठिए। और सारे आ जाइए आ जाइए। मैं आ जाइए सर, आज कॉपी होगी। सर आ जाइए आ जाइए। नोट्स बना लिए? अरे नोट ही बना रहा हूं, 26 नंबर जा रही है। ये तो पढ़ेंगे नहीं, देखा ना 26 नंबर जा रही है सबको, है कि नहीं? आ जाइए। अरे भाई न्यू स्टूडेंट। हां भाई जान। नाम क्या है? अहमद मंसूरी। तो यार बैठो यार, क्या हो रहा है ये क्लास में? क्वेश्चन नहीं सर, मैं नहीं बढ़ूंगा फर्क के साथ। ये क्या है यहां पर? ये नहीं चलेगा, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और यहां पर हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं। चलो बैठो, पढ़ो बैठ के। और हमने जो काम दिया था वो था ये। और भाईजान घर के लिए यही काम दिया था क्या? ओए मैं तुम जैसे लोगों को बात नहीं करता। आ यार हट 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 आना आ जा। अरे भाई तू यहाँ से बना। हाँ हाँ यहाँ पे आ। मदद कर दे, पैर नहीं निकल रहा है भाई। अरे क्या यार जो खड़ा है। क्यों से उठा रहे हो यार तुम? ये मुसलमान है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, इतना कम है क्या? ये पंडित है, ये राजपूत है, मैं यादव हूँ, और ये मुस्लिम है। और क्या, इसीलिए तो हमारा देश बदनाम हो रहा है यार। अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन लोग, चीन में आओ तो चीनी लोग, और पाकिस्तान में आओ तो पाकिस्तानी लोग, और हमारे देश हिंदुस्तान में चार धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। क्यों कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये मेरा हिंदुस्तानी भाई? हमारा पहला धर्म हिंदुस्तान होना चाहिए, और पहला कर्म हमारा हिंदुस्तानी भाई की सेवा करना। क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था? एक सरहद पर खड़ा जवान हमेशा कभी ये नहीं सोचता कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई रहता है, वो हमेशा ये सोचता है कि हमारे देश में एक हिंदुस्तानी भाई रहता है, माँ रहती है, बेटी रहती है, वो इसलिए हमारे अच्छा करता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी भाषण से देश बदल जाएगा? पर भाई यार देश बदले या ना बदले, फांसी हम जरूर लेंगे। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आ जाइए आ जाइए।
आ जाइए बैठिए। और सर आ जाइए नोट्स बना लिए? अरे नोट ही बना, 26 नंबर जा रही है। ये तो पढ़ेंगे नहीं, बेकार है। 26 नंबर जा रही है यार, सबको है कि नहीं? आ जाइए। अरे भाई न्यू स्टूडेंट। हाँ भाई जान। नाम क्या है? अहमद मंसूरी। तो यार बैठो यार, क्या हो रहा है क्लास में? क्या सर मैं नहीं बढ़ूंगा फर्क के साथ। ये क्या है यहाँ पर? ये नहीं चलेगा, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं। चलो बैठो, पढ़ो बैठ के। और हमने जो काम दिया था वो था ये। और भाईजान घर के लिए यही काम दिया था क्या? ओए मैं तुमसे लोग बात नहीं करता। आ यार हट 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 अरे क्या यार जो खड़ा है। क्यों से उठा रहे हो यार तुम? ये मुसलमान है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, इतना कम है क्या? ये पंडित है, ये राजपूत है, मैं यादव हूँ, और ये मुस्लिम है। और क्या, इसीलिए तो हमारा देश बदनाम हो रहा है यार। अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन लोग, चीन में आओ तो चीनी लोग, और पाकिस्तान में आओ तो पाकिस्तानी लोग, और हमारे देश हिंदुस्तान में चार धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। क्यों कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये मेरा हिंदुस्तानी भाई? हमारा पहला धर्म हिंदुस्तान होना चाहिए और पहला कर्म हमारा हिंदुस्तानी भाई की सेवा करना। क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था? एक सरहद पर खड़ा जवान हमेशा कभी ये नहीं सोचता कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि हमारे देश में एक हिंदुस्तानी भाई रहता है, माँ रहती है, बेटी रहती है, वो इसलिए हमारे अच्छा करता है। मैं क्या लगता है तुम्हारी भाषण से देश बदल जाएगा? पर भाई यार देश बदले या ना बदले, हासी हम जरूर बदलेंगे। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में जो होने वाला है एशिया कप में। फैंस में उत्साह देखने को मिल रहा है और आज इसी पे जुड़ने वाले हमारे साथ काफी दिग्गज प्लेयर इंडिया के जो हमें 1983 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। तो हम बात करेंगे उनसे, उनसे सवालों की वसा करेंगे। तो स्वागत करते हैं मिस्टर कपिल सिंह जी। और वही पाकिस्तान से हमारे साथ दिग्गज प्लेयर जुड़ रहे हैं शाहिद अफरीदी, तो उनसे हम कुछ बात करेंगे और मैच के बारे में पूछेंगे। हाँ तो हम कपिल जी से फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं, कपिल जी से बात करते हैं। हाँ कपिल जी बताइए, आज के मैच के बारे में आपकी बंदों से क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं है, दोनों टीमों का अपना अपना एक रुतबा रहा है और खेलने का भी और खेले भी हैं, पर अब से ये कह सकते हैं कि पहले 80s में पाकिस्तान टीम बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जीत हासिल की, लेकिन पिछले 15-20 सालों में मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम का थोड़ा दबदबा ज़्यादा रहा। जैसा कि हमें कपिल जी ने बताया, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम अफरीदी से पूछते हैं। अफरीदी जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अफरीदी जी अरे वो बिरयानी बट रही थी वहाँ पे। अरे तो बिरयानी, यहाँ बिरयानी खाने के लिए बैठे हैं आप? यहाँ कितनी बड़ी बहस चल रही है, बिरयानी खाने के लिए बैठे हैं आप? हाँ बताइए, तो आज के मैच में आपके प्लेयर की क्या मतलब उन्होंने क्या तैयारी करके आए हैं अपने? इंशाल्लाह बॉयज प्लेड बैल। तो अफरीदी जी जरा मुझे आप पर्सनल कॉल पे मिलेंगे?
इतनी ढुच्चापंती तो आपके पाकिस्तान में किसी ना कर रही कतई घटिया बंदी कर रहे हो आओ सामने हाँ तो देखिए कितनी टुच्चापंती से जवाब दे रहे हैं अफरीदी जी इनको कतई शर्म नहीं आ रही है आप लाइव टीवी पर ऐसा बोल रहे हैं हाँ हाँ अभी हाँ अनिल 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 की आवाज आ रही है अनिल हाँ अनिल आवाज आ रही है आपकी तो जैसे जैसा कि हमें वहां से लाइव मिल रहा है कि वहां टॉस होने वाला है और टॉस बता रहे हैं कि इंडिया टीम जीत गई है ये हमें अभी पता पड़ा है तो चलिए रुक करते हाँ अनिल जैसे पता पड़ रहा है बस मैच स्टार्ट होने वाला है और ये टॉस का वक्त है भारतीय कप्तान आते हुए इधर से पाकिस्तानी कप्तान आते हुए ये देखिए कितनी टुच्चापंती से आ रहे हैं ये देखिए देखिए ये आपके पीछे क्या ये देखिए टॉस का वक्त हो गया है सफर भाई यू हैव अ रुपया आई एम गंगाल टुच्चापंती ये विराट कोहली जी अब टॉस का तो ये नए अंदाज से होगा आपको चोटी काटनी पड़ेगी इंडिया विन द टॉस बॉलिंग और यहाँ भारत के कप्तान विराट कोहली उतरते हुए कठिन शतरंजाज में ऐसा लगता है जैसे अभी भी अनुष्का जी के पास से आए हैं और दूसरे प्लेयर भारत की तरफ से रोहित शर्मा ऐसा लगता है अभी मार खा के आए हैं और विराट भाई अनुष्का माँ सामने बैठी है हमारी यहाँ अंपायर से दरखास्त है कि ये पाकिस्तान वालों के हाथ देख रहे हैं खुट्टा मारते बड़ी तेजी से और ये विराट कोहली का अच्छा शॉट और पाकिस्तान दूसरी बॉल इन्होंने तो कतई खुट्टा मार दी विराट का एक और अच्छा शॉट और बॉल सीधी और ये क्या देख इन्होंने पाकिस्तान वालों कतई पेमेंटी मेरी अंपायर से दरखास्त है इनके हाथों पे चेक करते रहें इनके हाथों बॉल की जगह बम्बी हो सकता है गंदा हो मरा हुआ शॉट मारा पाकिस्तानी बल्लेबाज सरफराज और मोहम्मद आमिर उतरते हुए अरे यार मैं जाऊंगा इधर हटाओ इन गरीबों को जिन्होंने खेलना है खेलो बाहर जाओ भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल और ये निहायत ही टुच हरकत करते हुए लेकिन दोबारा फिर बॉल फेंकने को तैयार निहायत ही सही शॉट मारा है इन्होंने और ये भुवनेश्वर कुमार की दूसरी बॉल और ये मुंह कहीं बल्ला कहीं और ये बॉल अरे अंपायर यार नो बॉल थी यार हमने तुमने और दे दिया जिंदा यार अरे रन आउट बॉल है यार रविंद्र जडेजा घिसने पट्टी करते हुए और ये बल्लेबाज द्वारा काफी अच्छा शॉट एक क्या देख रहा हूं क्या लकीर है अभी लोगों ने बांटी है ये लकीर हम लोग आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करना है कैसे भक्के पहले थोड़ा चल के आवा बस वन Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं आगरा. हम आगरा में दिखाएंगे आपको आज ताजमहल. फिर दिखाएंगे आपको सबसे बड़ा सिनेमा पीवीआर सिनेमा और आज हमारे साथ हैं अभिषेक यादव उनका एक चैनल है अभी राठौर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको
दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है। अब हम आ गए हैं आगरा और यहाँ हम करेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट, तो देख लीजिए बस यही है। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रेकफास्ट, ये है आलू प्याज पराठा, ये एक दही, ये है अचार और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है टिकट घर और हम आ चुके हैं ताजमहल में। देखिए पूरा व्यू और टिकट 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 ये रही भाई, और हमारे साथ ही है। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं आगरा किले ताजमहल के अंदर। पीछे आप देख पा रहे होंगे जो व्यू आपको दिख रहा है, ये इसका एक गेट है। वैसे इसके चार गेट हैं लेकिन अभी हम पूर्वी गेट से हमने एंट्री ली है। देख पा रहे होंगे जैसे ये व्यू पीछे की तरफ, काफ़ी लोग हैं यहाँ भी, काफ़ी लोग हैं। ये देखिए ये और ये देखिए, और ये अभिषेक हमारे साथ में है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं, दिख रही होंगी। ये देखिए और ये हम आपको दिखा रहे हैं वन एंड ओनली ताजमहल। सीन ऐसा है कि हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर, यहाँ आप देख रहे हैं भीड़, ये देखिए, और ये रहा ताजमहल। देखिए कितना खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखिए अब हम आ गए हैं यमुना नदी के किनारे। ये जो है यमुना नदी, वहाँ जो आप थोड़ा दूर देख रहे हैं उस साइड में जो बाग है, ये पहले का बाग हुआ करता था, और ये पीछे, और ये देखिए। और अब ये हम आए हैं ताजमहल के बिल्कुल बाहर, जस्ट बाहर, बस अंदर एंट्री करेंगे हम। दोस्तों सीन कुछ ऐसा है, ताजमहल घूमने के बाद अब हम आए हैं आगरा के सबसे बड़े सिनेमा, गोल्ड सिनेमा में। ये देखिए आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली है शो की, संजू में एक बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर मैं अपने दोस्त अभिषेक के साथ देखूँगा। अभिषेक यो व्हाट्स अप गाइस, बिकॉज अभिषेक ने अभी संजू नहीं देखी है। टिकट मैं क्या कहते हैं ले चुका हूँ, मतलब ऑनलाइन मैंने बुक कर दी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से इसके टिकट का काउंटर है, वहाँ आप बुक कर सकते जाके। चलिए फिर मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये टिकट काउंटर है गोल्ड सिनेमा का। चलिए अब चलते हैं थोड़ा मैकडी कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। गेट से एंट्री ली थी, तो यहीं से एंट्री लेंगे। और अब ये देखिए बस यही है, यही नज़ारा है, नया है गोल्ड सिनेमा। ये देखिए पीछे, ये आप कूपन वगैरह ले सकते हैं यहाँ पर, पॉपकॉर्न के लिए है, कोल्ड ड्रिंक के लिए, बाकी सब। ये स्क्रीन चल रही है पीछे, ये देखिए न्यू मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। और हम आपको दिखाते हैं पीछे, ये स्क्रीन लगा है एक, और अब हमारा शो है। अब बस उस शो के लिए हम निकलने वाले हैं, चलिए देखते हैं फिर। देखिए हमने ये ले लिया है, ये अब हम जाएंगे खाने, और अब हम बस जा रहे हैं अपने ऑडी की तरफ मूवी देखने के लिए। तो हमारा ऑडी 3 है, बताया जैसे कि हमारी टिकट बुक हुई है, ऑडी 3 है हमारा, ऑडी 3 इधर, ये ऑडी 1 है, 1 2 3
और ये 4 हम दोनों जा रहे हैं। देखिए अंदर का सीन, ये है मूवी थिएटर, हम देख रहे हैं संजू इसमें सोने जैसा सबसे खूबसूरत चपता। चलिए अब हम थोड़ा एंजॉय करते हैं थोड़ी देर। आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे यहाँ इस गेट से एंट्री ली थी, तो यहीं से एंट्री लेंगे। और अब ये देखिए बस यही है, यही नज़ारा है, नया है गोल सिनेमा। ये देखिए पीछे, ये आप कूपन वगैरह ले सकते हैं यहाँ पर, पॉपकॉर्न के लिए है, कोल्ड ड्रिंक के लिए, बाकी सब। ये स्क्रीन चल रही है पीछे, ये देखिए न्यू मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। और हम आपको दिखाते हैं पीछे, ये स्क्रीन लगा है एक, और अब हमारा शो है। अब बस उस शो के लिए हम निकलने वाले हैं, चलिए देखते हैं फिर। देखिए हमने ये ले लिया है, ये अब हम जाएंगे खाने, और अब हम बस जा रहे हैं अपने ऑडी की तरफ मूवी देखने के लिए। तो हमारा ऑडी 3 है, बताया जैसे कि हमारी टिकट बुक हुई है, ऑडी 3 है हमारा, ऑडी 3 इधर, ये ऑडी 1 है, 1, 2, 3 और ये 4 हम दोनों जा रहे हैं। देखिए वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे वही अपना मटा मटा होते हैं और क्या, तो लेके आओ ना यार, काई नहीं करे लेके आ रहे हैं हम, यहां पर रखो, अब लेके आ रहे हैं वो भी है। ये लो ले आओ, ये लो तुम भी लो, है मजा। अरे बाहर लगा लगा
दो है कार। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो यार मैच चाहिए, खेले यहाँ चल के। सही कह रहे हो, पहले देख के आओ, उसके बाद देख के आने वाली। ठीक राम राम नहीं, ये कॉलर सीधा कर लो पहले, ठीक है? समझ लो सारे के सारे, इतना मारूंगा इतना बना दूंगा। वैसे बॉडी मास साहब तो सही है, लेकिन अब अजीतों का हो होता है। आ गए आराम करो, वो तो तनका सही है, नहीं तो एक गोली मार के आता घर पे। चलो अटेंडेंस बोलो। पैन और अमन आए हैं, मास साहब अजीत आए हैं, अंकित बैठे हैं, बैठे हैं। बैठे हैं क्या होता है? आए गए, समझ जाओ। समझ जाओ बड़ा बोले। आए गए सुशांत, आए गए नितिन, आए आए राकेश, पाक सोनू, पाक सर मोनू, पाक तो चलो बेटो आज पढ़ते हैं गणित, ठीक है? देखो एक प्लस एक, चलो ठीक है, कौन बताएगा? चलो मन ठीक, तू बता। एक और एक दो ये होते हैं मास साहब। दे कैसे बोलते हैं? दो ही होते हैं, एक और एक तीन होते हैं। अरे दो ही होते हैं, किसने बोला तीन? मैंने। तीन कैसे होता है? वो सही बोल रहा है, तीन कैसे होता है? मास्टर है सुबह, हां कैसे चाचा है प्रधान हमारे और चुनाव लड़ रहे विधायक ही को, तीन होते हैं। अरे मास साहब दो ही होते हैं बेटा, एक और एक होता है तीन। अब ये बताओ किसने होमवर्क नहीं किया? जिसने जिसने नहीं किया वो इधर आ जाए, आज दिखाता हूँ कितनी विदाई किया तुम लोगों की। आओ चलो बेटा, आ जाओ लाइन,
अंकित भाई आ जाओ भाई। मास्टर बुला रहे। मेरी है। मेरी है। नाम लिखूंगा मैं। अरे यार ये कमेंट लिखा है। सही से करा पहले। सही है। कॉपी की उठाई इसकी। अरे मेरी कॉपी कहाँ है? कहाँ है तेरी कॉपी? बुलाए? कहाँ 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 बोल रहा है? अरे बुलाए। मुर्गा। चल। कल ले पकड़ दिल्ली अपनी जगह बैठ जा फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी क्या मन तू बैठ जाके अजीत आ जाओ भाई अम्बर अम्बर दिखाओ कॉपी का है लगन मास्टर भूल गए हमने कहीं दिया था तुमने क्या कही भूल गए का बच्चों थोड़ी देर रुकना मैं बात करके आ रहा हूँ ठीक है फोन काए बहुत मुंह चला रहे थे उन पेट रहे थे बहुत हंस रहे थे काए 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 हंस का जानता हूँ मैं काए काटो साहब हैं अरे मास साहब हैं तो मास तुम्हारे मास साहब हमारे कचरा कर पाए ठीक है मास साहब हैं के बहुत मारी हैं मास साहब हैं के बहुत मास साहब कचरा कर पाए भाई ठीक है हमें बहुत सारी मारी हैं मास साहब साहब गिर गिर मार रहे हैं ठीक है साहब का आगे तो बहुत मारी हैं मास साहब हाँ मास साहब रुकिए आगे पीस करो जले रुपया 50 की चाल 100 की चाल 500 की चाल 500 का ओह शिट पांच खेलोगे पांच खेलोगे सब्सक्राइब करिए कूल किंग्स को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और भाई लोग क्या पबजी खेल रहे हो और क्या यार भाई भाई मेरे को भी ऐड करो यार आ जा पांक
हट रुक जा रे अच्छा ठीक है तू अंदर जा जल्दी आ रुक जाओ अभी आ रहा हूँ पता क्या हुआ भाई कंफ्यूजन दोनों में से कौन सा लूँ अरे पागल है क्या यार मार 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 ये नहीं यार उसे मार पांक क्या मिला हेलमेट अरे ये देखो ये देखो ये 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 तो चलो ठीक है कोचिंग की चलते चले बाइक 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 साली गोली पड़ रही है अमन 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 क्या हुआ Help! Bang, bang.
पांक। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर चल रहा है एक क्विज शो, अगर आपको सिर्फ इतना करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर नीचे दिए हुए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और जो विनर होगा उसको मिलेगा एक 4K कैमरा।
वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते